ड्रग एंड मेडिको सर्जिकल इक्विपमेंट कमेटी द्वारा देहरादून में सिविल अस्पताल सुंदरनगर के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक शर्मा को अवार्ड मिला है, जो पूरे प्रदेश सहित सुंदरनगर के लिए गर्व का विषय है। डॉक्टर आलोक शर्मा ने बताया कि कमेटी द्वारा उत्तरी भारत के 5 राज्यों हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, यूपी और हरियाणा से 5 चिकित्सकों को प्रसूति एवं स्त्री रोग क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए अवार्ड से नवाजा गया है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में वो मुख्य वक्ता और मेहमान के रूप में भी उपस्थित रहे। धन्यवाद। पहले तो मैं गगन जी का धन्यवाद करता हूँ, जो अपना समय निकाल के मेरे लिए हमेशा पहुँच जाते हैं। और अब जो अवार्ड मेरे को, ये अवार्ड मिलने नहीं जा रहा है, अवार्ड मैं ले चुका हूँ। पिछले अभी पिछले वीकेंड पे 14-15-16 को हमारी एक फॉक्सी की नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जो कि फूड एंड ड्रग एंड मेडिको सर्जिकल इक्विपमेंट कमेटी के द्वारा की गई थी। तो ये फॉक्सी की एक बड़ी कमेटी है जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस देहरादून में की थी। तो इसमें देहरादून के जो थे मेन, जो देहरादून की जो सोसाइटी थी, उस सोसाइटी ने इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया था। तो उसको होस्ट करने के चक्कर में उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस हमारी नेशनल लेवल पर की गई, जिसमें मैं इनवाइटेड भी था एज फैकल्टी। मैंने वहाँ पर थायराइड पर अपनी जो है जो सुझाव साझा किए, मैं जज भी था वहाँ पर, पेपर्स के लिए मैंने जजमेंट भी दी, प्लस मैं चेयर भी था वहाँ पर। पैनल भी मैंने एक मॉडरेट किया कि अपनी जो जितनी भी मेरी माताएं होती हैं जो हाई बीपी की वजह से जो ग्रसित होती हैं, तो उसका एक पैनल भी मैंने वहाँ पर मॉडरेट किया। तो काफ़ी इन्वॉल्वमेंट थी मेरी इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में। साथ ही साथ मुझे वहीं जाकर महसूस हुआ कि और मालूम भी चला, मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ था कि उन्होंने नॉर्थ से मुझे चूज़ किया। तो एक डॉक्टर मैं था हिमाचल से, एक पंजाब से थे, एक यूपी से थे, जम्मू कश्मीर से थे, एक उत्तराखंड से थे। तो उन 5 डॉक्टरों को उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए अपने ही फील्ड में, जो हमारी प्रसूति विशेषज्ञ और जो गायनी विभाग में जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, उसमें उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए एक ये जो है ट्रॉफी प्रदान की गई और मुझे जो है इस अवार्ड से नवाजा गया। तो एक यही चीज थी जो मैं, जो आपने। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुंदरनगर से गगन शर्मा की रिपोर्ट। कुल्लू वैली हॉस्पिटल गांधीनगर कुल्लू, जिला कुल्लू में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है। नमस्कार, मैं आज आपसे घुटने के गठिया यानी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात करूंगा। इसमें मरीज को चलने फिरने, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत आती है और ये काफी कम भी हो जाता है। इसके मुख्य कारण रहते हैं बढ़ती उम्र, मोटापा या पुरानी घुटने की कोई चोट इत्यादि। इसमें मुख्यतः घुटने के अंदर जो कार्टिलेज या जिसको आसान भाषा में ग्रीस बोलते हैं, उसको डैमेज होता है। अगर मरीज हमारे पास इस दिक्कत के साथ जल्दी अर्ली स्टेज में आता है, तो हम उसका इलाज एक्सरसाइज, दवाइयां और फिजियोथेरेपी के साथ करते हैं। अगर पेशेंट हमारे पास थोड़ा एडवांस्ड आर्थराइटिस यानी कि लेट स्टेज पे आता है, तो इसका इलाज हम टोटल नी रिप्लेसमेंट के साथ करते हैं। ये जो प्रोसीजर होता है बहुत ही सुरक्षित और प्रभावित होता है। इसमें पेशेंट को हम अगले दिन से ही चलना फिरना शुरू करा देते हैं। और अगर आपको घुटने संबंधित कोई भी दिक्कत होती है, तो आप मुझसे कुल्लू वैली ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर में आकर मिल सकते हैं। धन्यवाद।